हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवल लाइफ 365। और आज जो ये वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। जितने भी लोग मतलब सोच रहे हैं ब्लॉगिंग का या मोटर ब्लॉगिंग का या फिर ऐसा कोई कमेंट्री का चैनल या फिर क्या कहते हैं आपका व्लॉग्स बनाने के लिए या फिर आपके मतलब बहुत सारे तरीके के व्लॉग होते हैं या फिर कमेंट्री करने का बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन चीज़ों के लिए मतलब अगर आप नॉर्मल कैमरे से रिकॉर्ड करते हो या फिर आप नॉर्मल फ़ोन से रिकॉर्ड करते हो तो प्रॉपर जो आपकी साउंड है वो कैप्चर नहीं हो पाती है। तो उसके लिए मैंने ये परचेज़ किया है माइक रिसेंटली। तो ये पूरी जो वीडियो होने वाली है वो इसकी अनबॉक्सिंग के लिए और इसकी जो क्वालिटी है, क्या क्या इसके मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, वो सब के बारे में बात करूँगा मैं। तो इसकी अनबॉक्सिंग के लिए ये आप वीडियो देखो और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो एंड तक देखो ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले प्रॉपरली इसके बारे में। और इसमें जो भी फीचर्स हैं, जो भी चीज़ें आपको इसमें ज़रूरत पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ इसके अंदर मिली है, कैसे यूज़ करना है और इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, ये सब मैं आपको बताऊँगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस चलो हम लोग शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं सबसे पहले पैकेजिंग कैसी है। तो पैकेजिंग सॉलिड है, काफ़ी मतलब ठीक ठाक रैपिंग में है और सब कुछ प्रॉपरली, बॉक्स बहुत अच्छा है, सॉलिड है। और ये जो कंपनी है जिस कंपनी का मैंने माइक परचेज़ किया है वो ये है मानो कंपनी की, और लेवेलियर माइक्रोफोन है ये। और जिसमें जैसा कि आप देख सकते हो इसमें लिखा भी हुआ है कि ये प्रोफेशनल ऑडियो इनोवेशन है, मतलब कि प्रोफेशनल लेवल पे भी लोग यूज़ करते हैं इसको, तो ये अच्छी बात है। और थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रहा है शायद, हाँ तो आप देख पा रहे हो कि ये प्रोफेशनल ऑडियो इनोवेशन का इन्होंने ट्रेडमार्क यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके साथ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो मैं दिखाता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या क्या चीज़ मेंशन है। तो गाइज ये है मेरा जो माइक मैंने परचेज़ किया है, ये कॉर्ड माइक है, मतलब इसमें आपको वायर्ड वायर मिलता है, ठीक है, काफ़ी लंबा माइक है। कितना लंबा माइक है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कंपनी का, तो कंपनी का नाम है मोनो और ये लवेलियर माइक्रोफोन है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोफेशनल ऑडियो इनोवेशन, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे भी इसको यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो हैं इसको यूज़ कर रहे हैं, पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, ठीक है, अच्छा एक वेल पैक्ड कॉम्पैक्ट पैक दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। माइक के अलावा भी बहुत सारी एक्सेसरीज़ हैं जो आपको माइक के यूज़ के टाइम पे मतलब काम में आएगी। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं जो सबको ऑब्वियसली यूज़ में आएगी। तो सबसे पहले तो यही है आपका पिक्चराइजेशन, माइक कैसा रहेगा, उसका एक क्लिप का भी इन्होंने एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है और साथ में एक ऑक्स केबल का ऑक्स माउंट मतलब ये दिया हुआ है यहाँ पे कनेक्टर। उसके अलावा स्पेसिफिकेशन इस साइड मैं आपको दिखाता हूँ अभी, और यहाँ पे थोड़ा मतलब हजार्ड इन्फॉर्मेशन और ये सब इन कंपनी की इन्फॉर्मेशन वगैरह है, और यहाँ पे भी दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसकी स्पेसिफिकेशंस। तो स्पेसिफिकेशन जैसे आप देख सकते हो कि इसका जो ट्रांसड्यूसर टाइप है वो इलेक्ट्रिक कंडेंसर है, पोलर पैटर्न ओमनी डायरेक्शनल है, मतलब ओमनी डायरेक्शनल का मतलब अगर आपको नहीं पता होगा तो बता देता हूँ मैं, ओमनी डायरेक्शनल मतलब ये हर डायरेक्शन की वॉइस को कैप्चर करेगा। तो ये बहुत ही कम ऐसे माइक हैं जहाँ पे ये अवेलेबिलिटी रहती है ऐसा मतलब स्पेसिफिकेशन की। और रेंज भी काफ़ी अच्छी है, मतलब 18 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को ये कैप्चर कर सकता है। सिग्नल नॉइस जो है वो 74 डेसिबल की रहेगी, ठीक है। सेंसिटिविटी, आउटपुट इम्पिडेंस, आउटपुट कनेक्शन, ये सब अब बहुत ही बड़े प्रोफेशनल लेवल पर मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो इतना तो नॉलेज नहीं है मुझे, बट आई होप अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको नॉलेज होगी और आप पढ़ भी सकते हो गूगल पे। और बाकी फीचर्स क्या क्या हैं वो देख लीजिए आप। तो क्लिप ऑन माइक्रोफोन फॉर स्मार्टफोन पीसी एक्सेट्रा, ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर पोलर पैटर्न, लो हैंडिंग नॉइस, तो लाइट वेट और कॉम्पैक्ट भी है जैसा कि बताया मैंने आपको। उसके अलावा इस साइड जो मतलब डिटेल्स लिखी हुई हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हुआ है वो आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो ये प्रोडक्ट जो है वो 700 का था बट मुझे वो 599 का मिल गया ऑफर्स में, तो ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी वो है आपकी टेक्सास की, और इंपोर्ट हुआ ये इंडिया में और इंडिया से शिप हुआ। उसके अलावा बाकी डिटेल्स वगैरह है, ये बारकोड है आप देख सकते हो,
और ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर माइक मैंने लिया है मोनो का, वो आपको यूज़ होगा स्मार्टफोन में, कैमरा में, कोई भी DSLR उसमें, प्रेजेंटेशन में आप यूज़ कर सकते हो, इंटरव्यूज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा ये कंप्यूटर में भी कंपैटिबल है। इसके अलावा इसमें एक ऑक्स केबल भी दी हुई है जिसको आप स्पीकर से भी कनेक्ट कर सकते हो, अगर आपको कैरोके वगैरह में इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी कर सकते हो, गेमिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए अब हम थोड़ी देर में शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या क्या कंटेंट आपको अंदर मिलता है। चलो गाइज इसको हम लोग ओपन करके चेक करते हैं इसमें क्या क्या कंटेंट मिलता है। तो ऑब्वियसली मैंने एक बार उसे ओपन कर लिया था, तो क्योंकि चेक करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली आप चेक करोगे और फिर अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो आप रिटर्न वगैरह कर सकते हो, तो मैंने चेक कर लिया। उसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है तो उसको हम रख देते हैं साइड में, ये बॉक्स था इसका। इसके अलावा यहाँ पे आपको दो कार्ड मिल रहे हैं, ये आप इनका ब्रांडिंग है, मतलब इनको आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, और इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हो ये QR कोड स्कैन करके। उसके अलावा एक काफ़ी अच्छा नोट है व्यूअर्स के लिए, ये भी आप इनको फॉलो कर सकते हो, कोई क्वेरी है तो इनको यहाँ पे आप पूछ सकते हो। उसके अलावा एक छोटा सा कार्ड ये भी है, तो ये कार्ड क्या है देख लेते हैं। तो ये कार्ड में क्या है, इसके बारे में लिया हुआ है, इसका डायग्राम बना हुआ है 2D में, और क्लिप कहाँ पे यूज़ होगी, इसका जो डेड कैट है वो कहाँ पे आप लगाओगे, वायर क्या है, तो ये देखो लिखा हुआ है ओमनी डायरेक्शनल माइक्रोफोन विद क्लिप, 3.5 mm जैक है, 2 मीटर की केबल है, 2 मीटर मतलब बहुत अच्छी लेंथ हो गई। तो किसी का अगर इंटरव्यू, तो इवन आप किसी का इंटरव्यू वगैरह ले रहे हो तो उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा क्योंकि लंबा माइक है। और इस साइड देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, इस साइड इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो सब रेंज लिखी हुई है, और ये डायग्राम लिखा हुआ है, तो इसको अभी आप जूम करके पढ़ लीजिएगा जिसको भी इसके बारे में नॉलेज है। थोड़ा और जूम करता हूँ क्योंकि यहाँ पे साइड में ग्रिड बनी हुई है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। तो इसका जो मॉडल नंबर है वो है AU400, ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। तो अभी तक हमें मिला ये कार्ड, एक ये कार्ड, ठीक है, एक ये बॉक्स, उसके अलावा इन दोनों को साइड रख देते हैं हम लोग। इसके अलावा मिला है हम लोगों को ये पाउच, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और बहुत ही अच्छी ब्रांडिंग बनी हुई है यहाँ पे माउनो। हम इसको ओपन करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का है यार ये, मतलब इसमें आप इसके अलावा कुछ भी। तो गाइस पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है, और ये जो पाउच है ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, मतलब फटने वाला तो चीज़ नहीं है ये। तो चलो इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है अपने को। तो इसको करते हैं, इसको निकालते हैं और चेक करते हैं। तो इसमें मिली हमें 3 चीज़ें, एक तो ये माइक, दूसरा ये सिलिका जेल बॉल्स हैं प्रोटेक्शन के लिए हैं, वो इसको साइड कर देते हैं, ऐसा कुछ काम नहीं है। और ये भी हमारी कुछ एक्सेसरीज हैं, ये हमारा प्रॉपर माइक है। तो ये देखो ये हमारे माइक की यूनिट है, अब आप देख पा रहे हो नहीं फोकस होके, हाँ देखिए, तो ये है माइक की यूनिट और ये है हमारा प्रॉपर माइक, ये हमारा इसका 3.5 mm जैक, ठीक है, और ये हमारा 2 मीटर लॉन्ग आपका केबल है इस माइक का। तो ये मैं इसे निकाल नहीं रहा हूँ, मतलब अगर आप चाहो तो निकाल सकता हूँ, बट वही है 2 मीटर तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वही 2 मीटर की होगी, ठीक है। इसके ऊपर लगाने के लिए और इस माइक में लगाने के लिए बहुत सारी एक्सेसरीज हैं, तो वो देखते हैं हम लोग इसके अंदर। तो इसे ओपन कर लेते हैं, क्या क्या निकलता है इसके अंदर देखते हैं। तो ये तो हो गई आपकी डेड कैट, ठीक है, ये आपकी डेड कैट है जो आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने माइक के ऊपर। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है, तो इसको सिंपली, इसको जस्ट प्लग एंड प्ले है, तो ये जो आपको दिख रहा है होल, इसमें आप प्लग कीजिए और इसे राउंड घुमा लीजिए, तो ये आपकी डेड कैट इंस्टॉल हो जाती है ऐसे, ठीक है, ये आपकी इंस्टॉल हो गई डेड कैट। इससे क्या है कि बहुत सारा जो आपका विंड नॉइज़ होती है और कोई और नॉइज़ है, बैकग्राउंड नॉइज़, वो सब आपकी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो ये हो गई डेड कैट। उसके अलावा हमारे पास क्या क्या मिलता है, उसके अलावा हमें मिल रहा है ये दो, हमें मिलते हैं ये माइक कनेक्टर्स या फिर कॉलर क्लिप्स जिसे बोल सकते हो आप, ये दो मिलती हैं, एक मिलती है आपको नॉर्मल, एक मिलती है स्पेयर। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है देखो दोनों की, ठीक है। तो बस इसको ऐसा हम दबाएंगे और ये हमारे कॉलर में कहीं पे भी सेट कर सकते हो आप, जहाँ पे भी लगाना है वहाँ सेट कर सकते हो देखो, और ये इस एंड से हम आप इसको फिक्स कर सकते हैं माइक पे, ठीक है।
तो वो भी दिखा देता हूँ हमें कैसे फिक्स करना है। बस इसको यहाँ से यहाँ पे लाना है और यहाँ पे इसको पुश कर देना है अंदर। तो देखो ये फिट हो गया, ये मेरा कॉलर माइक का जो क्लिप है वो प्रॉपरली फिक्स हो चुकी है, ये देखो। ठीक है, उसके अलावा ये एक स्पेयर है बता दिया मैंने आपको। उसके अलावा हमें मिला है ये ऑक्स कनेक्टर एक, अगर आप स्पीकर में चाहते हो कनेक्ट करना है या फिर सिस्टम में चाहिए तो ये हमारा ऑक्स कनेक्टर है। ये भी आपका, ये आपका टू स्लॉट्स वाला है, मतलब दो लाइन वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत वहाँ पे होती है जहाँ पे तीन लाइन होती हैं, तो उसको तीन कनेक्टर चाहिए होते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये देखो। तो इसमें दो लाइन है तो ये इजीली कनेक्ट हो जाएगा, और काफ़ी हैवी है ये मेटल का, और पूरी बॉडी मेटल की बनी है इसकी, और बहुत ही सॉलिड मटेरियल है ये। तो अब बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी की। तो मैंने इससे पहले यूज़ किया हुआ है बोया का माइक, तो उसकी क्या है कि लेंथ बहुत ही ज़्यादा है, और उसकी लेंथ ज़्यादा होने के चक्कर में उसमें दिया हुआ है एक सेल जिसमें सेल पड़ता है। तो उस सेल की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर आप पूरा लेंथ मतलब बहुत दूर किसी का रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसमें वो थोड़ा डिस्टर्बेंस आता है। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, हो सकता है कि मुझे प्रॉब्लम हुआ हो यूज़ करने में या मुझे सही से समझ ना आया हो, बट हाँ ये मुझे इशू आया। बट जब मैंने इसको यूज़ किया, इस पर्टिकुलर माइक को, तो मुझे कुछ मानो का, तो उसमें मुझे कुछ इशू कभी अभी तक फेस नहीं करना पड़ा। तो जैसे कि आप मेरा चैनल देखते हो, मेरे बहुत सारे अपने वीडियो देखी होंगी, तो मैं ज़्यादातर मोटो ब्लॉगिंग में यूज़ करता हूँ इसको या फिर रिव्यू के लिए। तो मोटो ब्लॉगिंग में आप हेलमेट में इसको फिक्स करते हो साइड में या फिर चिन के पास या कहीं पे भी माउंट करते हो, तो उसमें मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आई। तो गाइज एक छोटा सा टेस्ट करते हैं, क्योंकि अब आपको मैं इसका, इस माइक का दिखा रहा हूँ, अनबॉक्सिंग और सब कुछ दिखाया, तो एक टेस्ट तो बनता ही है इसका कि कैसा परफॉर्म करता है। तो एक मैं कुछ बोलूँगा अपने एंड से टेस्ट करने के लिए कि विदाउट माइक और विद माइक में क्या डिफरेंस रहता है। तो मैं कुछ बोल के ट्राई करता हूँ। फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल ट्रेवल F365। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोज़, एंड डू कमेंट फॉर बेटरमेंट ऑफ दिस चैनल एंड वीडियोज़। और कुछ नई वीडियोज़ के लिए प्लीज़ कमेंट कीजिए। इससे पहले जो आपने क्लिप देखी वो थी विदाउट माइक। अब मैं ये जो माइक है मोनो का, वो मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, मैं इसे फिट कर रहा हूँ अपने कॉलर में, और फिर चेक करते हैं कि कैसे रहती है वॉइस क्वालिटी। हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल ट्रेवल F365। आई होप यू लाइक दिस वीडियो ऑफ द अनबॉक्सिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट आवर वीडियोज़, और कमेंट कीजिए कि हम लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करें, या आपके पास कोई और आइडिया है कुछ और इम्प्रूव करने का तो प्लीज़ बताइए। चलिए बाय। तो गाइज़ ये था हम लोगों का अनबॉक्सिंग, ये माउनो कंपनी के जो माइक है उसकी अनबॉक्सिंग थी, और मैंने आपको सारी डिटेल्स कैप्चर करके बता दी हैं ऑलरेडी कि क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, मतलब कहाँ कहाँ इसका आपका एप्लीकेशन है। बस एक ही डिमेरिट है कि ये इसकी एक लेंथ फिक्स है, ये ब्लूटूथ नहीं है, मतलब ये कॉर्डलेस नहीं है। और हो सकता है होपफुली हम लोगों को इस कंपनी के थ्रू हम लोगों को और माइक्स मिलें इन फ्यूचर जो हमारे कॉर्डलेस हों, तो उसमें और अच्छा खासा हम लोगों को क्वालिटी मिलेगी। उसके अलावा सब कुछ मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे ज़रूर परचेज़ कीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अमेज़ॉन का या फ्लिपकार्ट जो भी मिलेगा, तो अमेज़ॉन का तो ऑलरेडी है मेरे पास, मैं वो डाल दूंगा। और प्लीज़ मतलब अगर आपको ये पसंद आता है वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना भी हो सके मतलब अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और बाकी कमेंट करके बताइए अगर कुछ हमसे छूट गया हो या फिर हमने कुछ इन्फॉर्मेशन रॉन्ग बताई है या जो भी है। और होपफुली आज रात तक ये वीडियो हमारे चैनल पे आ जाएगा तो आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय।